नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एग्जामपुर के इस महामंच पे। और दोस्तों, मैं हूं आपके साथ एफर आजाद। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। और हम भारत और चीन संबंध पढ़ रहे थे। भारत चीन संबंधों में जो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, ये डिस्कशन कुछ ऐसा रहेगा जो आपको कई जगहों पर काम आ सकता है। जैसे आज जो हम पढ़ रहे हैं, वास्तव में ये ऐतिहासिक संबंध हम पढ़ेंगे। ऐतिहासिक संबंधों में हम जो चर्चा करेंगे वो चीन से आने वाले यात्रियों की चर्चा करेंगे, यानी चीनी यात्री। कौन कौन चीनी यात्री जो भारत आए। तो ये जो आपका कंटेंट है, ये आज का कंटेंट आपको दो जगह पर कम से कम काम देगा। दो जगह, कौन कौन सी जगह पर? तो एक जगह तो आपको काम देने वाला है आईआर में, कहां पर? जीएस सेकंड में आपको काम देने वाला है, और दूसरा जीएस फर्स्ट में भी काम देने वाला है। इसके अलावा प्री एग्जाम में काम देने वाला है ना। जीएस फर्स्ट में कहां काम देगा? तो हिस्ट्री जो आप पढ़ते हैं, हिस्ट्री में आपको ये थोड़ा बहुत हेल्प करेगा। इसके बाद आपको इंटरव्यू के लेवल पर इंटरव्यू, और फिर आप जानते ही माहौल है ना, इतनी जगहों पर ये काम देने वाला है जो आज हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक संबंध। ठीक है, तो आप सभी एग्री होंगे अनुमानते। चलिए सेशन को शेयर करें एक बार। मैं देख रहा हूं सत्तू जी हैं, शिक्षा दीक्षा जी और बाकी लोग कहां हैं भाई? और नेहा जी हैं, आईएएस विकास जी हैं, प्रियंका सिंह जी, रुद्र शर्मा जी, कृति पाठक जी, प्रीति यादव जी, अंजलि चौधरी, आईएएस लवर निशांत यादव। चलिए, और कृति पाठक जी, राकेश सिंह जी, आजाद सर की क्यूटी और मिष्टी राजपूत। चलिए, विष्णु सिंह जी, कृष्णा शर्मा, शिव प्रसाद मौर्य जी। चलिए, महिमा सिंह जी, आशा यादव और कृष्णा शर्मा, मोहित सचान जी, वेद प्रकाश राज जी, कृति पाठक जी, विष्णु जी, देव सोनम जी, रुद्र शर्मा, एलिसा जी, नितेश पाल जी और प्रीति यादव जी, वेदमती जोशी, अर्चना जायसवार। चलिए, रवि त्रिवेदी, विष्णु सिंह, फ्यूचर आईएएस विवेक शर्मा जी और प्रभात विश्वकर्मा जी, नीलू जी, अभिषेक जी। चलिए, समृद्धि जी, आप सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, सत श्री अकाल, वालेकुम अस्सलाम, जो भी आपको अच्छा लगता है वो स्वीकार करें। और नवरात्रों की आप सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। आज से नवरात्र स्टार्ट हो रहे हैं अनुमानते, है ना। चलिए, मिष्टी राजपूत जी, बस इतना ही काफी है, धन्यवाद। चलिए, और आज हम सबसे पहले वही एक चर्चा करें जो हमारा मिशन चल रहा है, मिशन यूपी पीएससी। ठीक है, मिशन यूपी पीएससी 2022। इसमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहां 5,000 रुपये फीस के बजाय आपको फीस देनी होगी नाममात्र की 2,000 रुपये, यानी 1,999 रुपये। 1,999 रुपये में आप एडमिशन ले सकते हैं। इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं और क्लास लगातार इसमें चल रही हैं। ठीक है, तो आप लेना चाहें तो इसमें ले सकते हैं, अभी भी एडमिशन ओपन है। बहरहाल आगे चलते हैं, तो पहले देखते हैं कोटेशन क्या है। तो जो लोग बीएड वगैरह की तैयारी करते हैं वो लोग पढ़ते होंगे इनको, अनुमानतः मैं ऐसा कह सकता हूं। तो कोटेशन क्या है, यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आपको एक नियम का सम्मान करना चाहिए, कभी भी अपने आप से झूठ मत बोलिए। मैं हमेशा कहता रहता हूं, वो इनका नाम लगा हुआ है इस वजह से, नहीं तो मैं आपको अक्सर क्लास में कहता रहता हूं कि आप दुनिया के प्रति ईमानदार रहिए या मत रहिए, कम से कम अपने प्रति ईमानदार रहिए। आप क्या कर रहे हैं ये आपको खुद को पता होना चाहिए। मैं आज पढ़ा रहा हूं तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं आज 4 बजे नहीं 4:30 बजे उठा था,
4:30 बजे उठ करके मैंने क्या क्या काम किया है उसके बाद में पढ़ाने आया हूं। अगर मुझे पता है तो कल को जब मुझे खुद को ही जवाब देना होगा तो मैं इस बात का जवाब दे पाऊंगा कि मैंने ये काम किया था। अगर मुझे खुद ही नहीं पता है कि मेरा टाइम जा कहाँ रहा है तब फिर आप खुद को भी जवाब नहीं दे पाएंगे। और जो इंसान खुद को जवाब नहीं दे पाता है फिर उसके लिए समस्या बहुत बड़ी हो जाती है। ठीक है, इसलिए आप दुनिया में अभी किसी के प्रति ईमानदार हैं या नहीं है डजंट मैटर। आप सोचें कि हम पड़ोसी घर वाले रिश्तेदार सबके प्रति ईमानदार हो जाएं तो नहीं हो पाएंगे, संभव नहीं है। उनके लिए अच्छे अभी आप हो भी नहीं पाएंगे और रिश्तेदार पड़ोसियों के लिए कोई अच्छा होता नहीं है, समझ रहे हैं? तो इसलिए आप सबसे पहले अपने आप से झूठ मत बोलिए। एक अपने आप से वादा कीजिए कि हम खुद से झूठ नहीं बोलेंगे और आप कोशिश करेंगे तो बोल भी नहीं पाएंगे। वो मसला अलग है कि आप छुपा रहे होते हैं, अपने आप को ही बहला रहे होते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं वैसा हुआ था, इस वजह से हो गया था ये, क्योंकि लोगों के पास बहाने बहुत होते हैं बहाने बनाने के लिए। ठीक है, बहरहाल जो हम ऐतिहासिक संबंध पढ़ने वाले हैं उन ऐतिहासिक संबंधों में हम दो बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो आप हेडिंग लगाएं ऐतिहासिक संबंध, हेडिंग लगाएं ऐतिहासिक संबंध। जो कल आप लोगों ने जवाब दिया, सब लोगों ने शानदार जवाब दिया है ऐतिहासिक संबंध। अब ऐतिहासिक संबंधों में हम दो व्यक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। कितने लोगों के बारे में? दो लोगों के बारे में चर्चा करेंगे। एक तो ह्वेनसांग, ठीक है, ये चीनी यात्री थे भाई साहब। और ह्वेनसांग के अलावा दूसरे फाहियान, इन दो के बारे में हम चर्चा करेंगे आज। ठीक है, ये दोनों चीनी यात्री हैं। ये कौन है? चीनी यात्री, चीनी यात्री। ये करते क्या हैं? अपनी पुस्तकों में यात्रा वृतांत का वर्णन करते हैं। ये दोनों भारत की यात्रा पर आते हैं और ये पुस्तकों का संकलन करते हैं, फिर बाद में बताते हैं अपनी पुस्तकों में कि भारत की स्थिति वास्तव में क्या थी। ठीक है, इस चीज को आप इतिहास में पढ़ते होंगे लेकिन यहां भी मुझे लगा कि आपको डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि संबंध एकाएक डेवलप नहीं होते हैं, और एकाएक डेवलप होने वाले संबंध ज्यादा समय तक टिकते भी नहीं है। ये बात आप भी जानते हैं। क्या आपने देखा कि संबंध आपका बना किसी से? मान के चलिए आपने देखा कि बिना कुछ बातचीत किए हुए आपने किसी से दोस्ती कर ली, हो सकता है दोस्ती में चांस ज्यादा बनते हैं कि आपकी दोस्ती बहुत लंबे समय तक ना चल पाए, टूट जाए, क्योंकि आप एक दूसरे को समझे नहीं और आपने दूसरे से दोस्ती कर ली। ठीक है, ऐसा यहां होता है विदेशी संबंधों में। ठीक है, चलिए आपस में बातचीत ना करें, सेशन को एक बार शेयर करें। चलिए इधर ध्यान दीजिए। तो अब पहला हेडिंग लगाइए ह्वेनसांग। किसके बारे में पढ़ेंगे? ह्वेनसांग के बारे में पढ़ेंगे। तो ह्वेनसांग आप पहला हेडिंग लगाइए। आज आपको थोड़ी थोड़ी फीलिंग आएगी कि हम इतिहास पढ़ रहे हैं क्या। ह्वेनसांग, ठीक है, ह्वेनसांग के बारे में सबसे पहली बात, कहां के यात्री? चीनी यात्री। किसके समय पर भारत आए बताइए जल्दी कमेंट करके, किसके समय पर भारत आए? चीनी यात्री। चीनी यात्री का मतलब ऐसा नहीं है कि चीनी लेकर के जाने वाला कोई यात्री है तो चीनी यात्री है, चीन से आया है इसलिए चीनी यात्री है। इनका नाम यात्रियों का राजकुमार या शाक्य मुनि, यात्रियों का राजकुमार और दूसरा नाम
शाक्य मुनि इनको कहा जाता है। ठीक है, अन्य नाम, ठीक है, चीनी यात्री किसके समय पर आया, किसी ने बताया कि नहीं बताया? चंद्रगुप्त द्वितीय, बहुत बढ़िया। अरे बेटा क्या नाम है, सत्तु, बहुत कंफ्यूजन में रह रहे हो, संजीव कुमार। और कुछ लोग तो फिर ऐसा करते हैं कि वो सिर्फ उन्हें दूसरे का कॉपी करना होता है। ठीक है, कॉपी करने वालों थोड़ा अपना दिमाग लगाना सीखो, नहीं दिमाग लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा सब कुछ, समझ रहे। जिन लोगों ने हर्षवर्धन बताया है उन सभी का सही है, हर्षवर्धन। ठीक है, मिष्टी राजपूत बेटा आप भी चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी आप तो सर को देख रहे थे, सर कैसे दिख रहे हैं, है ना, इस चक्कर में गड़बड़ हो गया आपकी, तो भूल को मैं समझ रहा हूं, है ना। चलिए, तो हर्षवर्धन के समय पर आए थे, ये ध्यान रखना है आपको। किसके समय पर? हर्षवर्धन, हर्षवर्धन। देखिए इतिहास पढ़ते हैं आप, दो चार शासक ऐसे हैं जिनके बारे में आपको बहुत डिटेल में पढ़ना चाहिए, उनमें से हर्षवर्धन भी। हर्षवर्धन एक प्रतापी राजा, बहुत दानी राजा हुए, इनके बारे में आपको पढ़ना चाहिए और इनसे आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, तो आपको ऐसा करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बात करें। इनकी जो यात्रा का वृतांत का जो वर्णन किया गया है वो किस में किया गया है, पुस्तक का नाम क्या है, या हम कह सकते हैं कि जो इन्होंने पूरा भारत का वर्णन दिया है उसका संकलन है सी यू की के रूप में, सी यू की, सी यू की, सी यू की में वर्णन वर्णन किया है। ध्यान रखिएगा सी यू की, इसके बारे में विद्वानों में मतभेद रहता है। मतभेद ये रहता है कि कुछ लोग तो ये कहते हैं कि भारत से जब जा रहा था तभी से ह्वेनसांग ने इसको लिखना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, लेकिन एक लॉ भी ऐसी है जो ये कहती है कि नहीं, ह्वेनसांग ने सी यू की को नहीं लिखा, ह्वेनसांग के बाद में, ह्वेनसांग के नोट्स कहीं पर पड़े हुए मिल गए उसके शिष्य वगैरह का या उसके बाद के लोगों को, उन्होंने इसका संकलन किया है, यानी बहुत सारे टूटे हुए नोट्स जिनको जोड़ करके अन्य लोगों ने ये प्रस्तुत किए कि ये ह्वेनसांग के नोट्स हैं और उनको नाम दिया सी यू की। ठीक है, तो दो विचारधाराएं प्रचलित हैं। अब सी यू की में भारत के बारे में वो वर्णन कर रहे हैं, तो जो हम बात करेंगे कि हर्षवर्धन ने, सॉरी ह्वेनसांग ने ये कहा वो कहा, वो सब का सब सी यू की के आधार पर ही हम कहेंगे। सी यू की में किस किस चीज का वर्णन है इसी आधार पर हम आगे कहेंगे, बात करेंगे। इनको जो बौद्ध धर्म की दीक्षा दी जब ये भारत आए उनका नाम था जयगुप्त। ह्वेनसांग, ह्वेनसांग, ह्वेनसांग को बौद्ध धर्म की दीक्षा जयगुप्त द्वारा दी गई। ठीक है भाई, जयगुप्त ने इन्हें बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। जयगुप्त कौन है अगर आपको ये पूछा जाए, तो जयगुप्त थानेश्वर एक नगर हुआ करता था, कुछ समय तक राजधानी नगर भी रहा था, तो थानेश्वर के विद्वान थे ये। ठीक है, किस धर्म को मानने वाले विद्वान, तो बौद्ध धर्म को मानने वाले। इन्होंने, जयगुप्त ने ह्वेनसांग को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। नोट कर लीजिए जल्दी से, चलिए सत्तु जी, हर्षवर्धन तो ठीक है लेकिन दूसरा वाला गड़बड़ है। ठीक है, उसको सही कीजिए और कॉपी पेस्ट मत कीजिए इतनी बार। कॉपी पेस्ट इतना क्यों कर रहे हैं भाई, एक आध बार गलत हो जाता है तो उसको दिल पे ना लिया करें, गलत हो गया तो हो गया, बात खत्म है ना। अगर उसको इतना सोच करके चलेंगे गलत क्यों हो गया हमारा, तो फिर दिक्कत है आपके लिए।
नोट कीजिए जल्दी से। चलिए आगे बात करते हैं। इनके विवरण में, इनके विवरण में, निम्नलिखित बातों का उल्लेख मिलता है कौन कौन सी बातों का उल्लेख मिलता है? तो आप देखते होंगे, इतिहास में पढ़े होंगे कि इन्होंने जो समाज का वर्णन किया तो उसको चार भागों में बांट करके दर्शाया कि भारतीय समाज चार वर्णों में विभाजित था। भारतीय समाज चार वर्णों में विभाजित था अब ऐसा कहीं स्पष्ट नहीं है कि चार भागों में, चार वर्णों में कौन कौन से वर्ण, क्या क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र और वैश्य यही चार वर्ण थे या कोई और चार वर्ण थे, इन्होंने ऐसा कुछ भी क्लियर करके नहीं बताया है। ठीक है, लेकिन चार वर्णों में समाज को विभाजित बताया है। दूसरी बात, इन्होंने ये बात कही थी कि सती प्रथा इस समय पर प्रचलित थी। क्या थी? सती प्रथा प्रचलित थी, सती प्रथा का प्रचलन था, सती प्रथा को प्रचलित बताया इन्होंने इस समय पर। और एक बात कही कि विधवा पुनर्विवाह या विधवा विवाह का यहां पर कोई भी उल्लेख या कोई भी हमें होता हुआ नहीं दिखाई दिया, इसलिए कहते हैं कि भारत में विधवा विवाह की उस समय पर कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं थी, यानी हम कह सकते हैं समाज विधवा विवाह को स्वीकार नहीं करता था उस समय पर। तो इन्होंने कहा कि विधवा विवाह नहीं होते थे, है ना, ये इस बात को कह रहे हैं। लेकिन एक बात को ध्यान में रखिएगा कि ये जो आते हैं यात्री और फिर ये यात्री अपने यात्रा वृतांत में जो बातें कहते हैं, ये बातें सब की सब सही नहीं मानी जाती हैं। सही क्यों नहीं मानी जाती हैं? इसकी मूल वजह है कि जो भी यात्री आएगा ये पूरे भारत का भ्रमण नहीं करेगा। कोई भी यात्री आएगा वो किसी जगह विशेष पर, स्थान विशेष पर जाएगा, या हो सकता है दो चार स्थानों पर घूमे या एक क्षेत्र विशेष में घूमे, और घूम करके जब जाएगा तो उसी स्थान के आधार पर पूरे भारत का मूल्यांकन कर देगा। ऐसा ही इन यात्रियों ने किया, तो इन यात्रियों की बातों में बहुत सारी हमें त्रुटियां दिखाई देती हैं। ठीक है, बहुत सारी। रवि त्रिवेदी कह रहे हैं सर किस लैंग्वेज में लिखी गई थी, कौन सी यह पुस्तक? सीयू की संकलन है भाई, चीनी भाषा में लिखा गया होगा, चीनी लोगों ने संकलन लिखा है अनुमानत है, बाकी इतिहास वाले गुरुजी ज्यादा बता पाएंगे इसके विषय में आपको, है ना। चलिए पैरवी मतलब क्या होता है? पैरवी का मतलब होता है किसी का पक्ष लेना, किसी की साइड से बात को रखना, इसको कहते हैं पैरवी। जैसे मान करके चलिए कि ये सपना राजपूत जी कह रही हैं कि हम लेट हो गए हैं थोड़े से, अब इनकी तरफ से कोई गए हाँ सर ये सोती रही थी इसलिए लेट हो गई हैं, तो जो ये कह रहा है कि हाँ सर ये सोती रही थी इस वजह से लेट हो गई हैं, इसका मतलब क्या है? वो पैरवी कर रहा है इनकी। ठीक है, उन इनके पक्ष को वो सेकंड पर्सन रख रहा है इसलिए उसको कहेंगे पैरवी। ठीक है, चलिए एक और बात जो इन्होंने कही कि भारतीय सफेद वस्त्र धारण करते थे
धारण करते थे, ठीक है, ये बात कही है इन्होंने। अब इनकी बातों में कितनी सच्चाई है कितना झूठ है ये तो बाकियों से अगर हम कंपैरिजन करेंगे तभी पता चल पाएगा, ऐसे हमें सामान्यतः पता नहीं चलेगा। अगली बात इन्होंने कही, पाटलिपुत्र श्रावस्ती और कपिल वस्तु पाटलिपुत्र व श्रावस्ती नगर नष्ट हो चुके थे। यानी ये नगर ऐसे थे जो जब ये आए थे हैंसवांग जी तब तक ये नगर नष्ट हो चुके थे, इन्होंने ये वर्णन में कहा है। ठीक है, नोट कीजिए इसको भी जल्दी से, फिर आगे और बढ़ते हैं। बताइए भाई ठीक हो गया कि नहीं हुआ, जल्दी से कमेंट करके बताएं ठीक हुआ कि नहीं हुआ, कमेंट करें सभी लोग ठीक हुआ कि नहीं हुआ, बताइए चेक करके बताइए भाई। संजीव कुमार ठीक हो गया अभी है ना, आप रीचेक करिए।
ठीक है, अब ठीक है ना। चलिए तो भाई एक बात कही कि कन्नौज एक समृद्ध नगर था, कन्नौज में सारी चीजें लगभग संतुलित थी, कन्नौज एक समृद्ध नगर था, ठीक है। श्रावस्ती पाटलिपुत्र वगैरह ये तो नष्ट हो गए थे, ऐसा ह्वेनसांग जी कह रहे थे। ह्वेनसांग जी को एक और बात नजर आई कि भारत के लोग जो थे वो कानों में कुंडल पहनते थे, तो इस बात का भी वर्णन किया है कि भारत के लोग महिलाएं नहीं केवल पुरुष भी कानों में कुंडल पहनते थे, ऐसा कह रहे थे ह्वेनसांग जी। और एक और बात क्या कह रहे थे कि दांतों पर लाल और काला कलर लगा के रखते थे, किस पर? दांतों पर। हो सकता है रामलीला वगैरह बना करके खेलते हो, तो उसमें रामलीला जब बनाते हैं तब उसमें रंग वगैरह लगाने की आवश्यकता होती है, तो ह्वेनसांग को ऐसा दिख गया हो, या राक्षस बन के दिखा रहे हो, है ना, जो भी रहा हो। लेकिन ये कह रहे थे कि भारत के लोग कानों में कुंडल पहनते थे, ठीक है। इसी तरह से ये कह रहे हैं कि दांतों पर काला और लाल रंग लगाते थे। अब आप इमेजिन तो करते जा रहे हो ना, काला और लाल रंग अगर लगाया जाए दांतों पर तो कैसा लगेगा? देखने में ही लगेगा एकदम अजीब सा। हाँ जी, कानों में कुंडल, वही बात है, अब भी कानों में ही पहनते हैं, लेकिन पुरुष कम पहनते हैं। हाँ, पुरुषों में भी थोड़ा बहुत होता है कि पहन लेते हैं, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। पुरुष महिलाएं कानों में कुंडल पहनना छोड़ती जा रही हैं, है ना, ये आधुनिकता की देन है। महिलाएं कानों में कुंडल पहनना छोड़ती जा रही हैं, पुरुष जो है कानों में कुंडल पहनना शुरू करते जा रहे हैं, ठीक है। ऐसा परिवर्तन आप देख पा रहे होंगे, अगर देख पा रहे हैं तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, कानों में कुंडल। एक और बात की चर्चा की, जिसकी चर्चा हमें कई जगहों पर मिलती है। इन्होंने कहा कि दंड हेतु दिव्य परीक्षा प्रचलित थी। देखिए, दिव्य परीक्षा जो है इसके बारे में भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग चर्चा है, लेकिन ज्यादातर दिव्य परीक्षा के बारे में जो चर्चा है वो चर्चा ऐसी है कि जो चार वर्णों में समाज बटा हुआ था, उन चारों वर्णों के लिए दंड की व्यवस्था जो थी, दंड की व्यवस्था में जब परीक्षण किया जाता था कि इस व्यक्ति ने कोई अपराध किया है कि नहीं किया है, तो उस समय पर उस व्यक्ति को एक परीक्षा से गुजारा जाता था। परीक्षा वही कहलाती थी दिव्य परीक्षा। वो अलग अलग वर्णों के लिए अलग अलग थी। जैसे ब्राह्मण व्यक्ति ने अगर कोई जुर्म किया है, किसने? ब्राह्मण व्यक्ति ने अगर कोई जुर्म किया है तो उस ब्राह्मण व्यक्ति को एक तुला में बिठाया जाता था। तुला का मतलब तराजू में बिठाया जाता था। दूसरा जो पलड़ा होता है, जो दूसरा पार्ट होता है तराजू का, तुला का, उसको खाली छोड़ दिया जाता था। और ये कहा जाता था कि अगर ब्राह्मण ने अपराध किया है तो जो तुला में बैठा है ब्राह्मण, वो तुला ऊपर हो जाएगी और जो खाली है वो नीचे हो जाएगा। खाली का मतलब माना जाता था कि इसके अपराध इसमें भरे हुए हैं, यानी अपराधों का बोझ अगर ज्यादा हो जाएगा तो अपराधों वाला जो पलड़ा है, जो पार्ट है, वो नीचे चला जाएगा और जिसमें ब्राह्मण बैठा है वो ऊपर हो जाएगा। और अगर ब्राह्मण ऊपर हो गया तो मान लिया जाएगा कि इसने जुर्म किया है, अपराध किया है। वैसे ही क्षत्रियों के लिए दोस्तों व्यवस्था थी, लेकिन इस व्यवस्था के सूत्रधार ब्राह्मण थे, इसलिए आप थोड़ा बहुत इसमें कलाकारी समझेंगे। जो क्षत्रिय थे, क्षत्रियों के लिए दंड की व्यवस्था ये थी कि अगर क्षत्रिय ने कोई जुर्म किया है, अपराध किया है, उसके ऊपर ऐसा आरोप है, तब उसको जलती हुई अग्नि में से निकाला जाएगा। अगर उसने जुर्म किया है तो जल जाएगा, अगर जुर्म नहीं किया है तो बच जाएगा, मतलब जलती हुई अग्नि में से निकाला जाएगा। अब ऐसा कौन सा व्यक्ति लगेगा आपको कि अग्नि में से गुजारा जाए, आग में से, और फिर जले ना बच जाए?
दूसरी बात, ऐसे वैश्यों के लिए था दंड का प्रावधान, ऐसे ही शूद्रों के लिए था। शायद शूद्रों के लिए, जैसा मैं याद कर पा रहा हूं, शूद्रों के लिए था कि जहर पिएगा वो, अगर जुर्म किया होगा तो जहर पीने से मर जाएगा, अगर जुर्म नहीं किया होगा तो जहर पीने से मरेगा नहीं, ऐसी व्यवस्था थी। तो इसके बारे में ये भी थोड़ा, जैसे मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है इन चीजों में, वैसे ही ह्वेनसांग को भी आया हुआ, तो ह्वेनसांग ने इसका भी जिक्र किया है कि दंड के लिए दिव्य परीक्षा जो है वो प्रचलित थी यहां पर। इन्होंने एक और बात कही कि भारत में सड़कें सुरक्षित नहीं थी, भारत में सड़कें सुरक्षित नहीं थी, यानी ये कह रहे थे कि सड़कें सुरक्षित नहीं थी, कभी भी किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी घटना हो जाती थी। मतलब अगर कोई व्यक्ति जा रहा है तो हो सकता है उसको लूट लिया जाए। अब ये ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं बहकी, ये इसलिए बहकी बातें कर रहे हैं क्योंकि ये भुक्तभोगी थे। मतलब इनको दो बार लूट लिया गया, ये जैसे निकले, ये माया मान लीजिए किसी बौद्ध मठ के लिए जा रहे थे निकल करके, इनको रास्ते में दो फक्कड़ टाइप के लोग मिल गए। भारत के आप जानते ही हैं कि एक का अगर कोई बाहर का व्यक्ति दिखाई दिया तो मतलब हो जाता है ऐसा। अगर आप कभी आगरा गए हो और अगर आपकी क्षेत्रीय भाषा कहीं दूसरी जगह की है तो आगरा में जो ऑटो वाले हैं, ऑटो ड्राइवर, 1 किलोमीटर जगह की डिस्टेंस के आपसे 500 रुपए वसूल कर सकते हैं। वो बस आपकी भाषा पे डिपेंड करेगा, आपकी भाषा कौन सी है, वहीं घुमा करके आपको पीछे पीछे घुमा करके ला के रख देगा उसी जगह पर और आपसे 500 रुपए ले लेगा। ऐसा ही यहां था, ये नए दिखाई दिए बाहर के, क्योंकि इनकी छोटी छोटी आंखें थी। आप जानते हैं चीनी व्यक्ति है तो आंखें कैसी होंगी, छोटी छोटी होंगी, और इनकी भाषा अलग होगी। तो भारत के लोगों ने देखा होगा कि अच्छा, मतलब ठीक ठाक है मामला, तो इनको दो बार लूट लिया सड़क पर। इस वजह से इन्होंने अपने यात्रा वृतांत में बताया कि सड़कें सुरक्षित नहीं थी, भारत में कोई भी जाना तो थोड़ा सावधानी से जाना, सड़कें सुरक्षित नहीं है। ठीक है, हाँ जी, तो आप लिखना चाहें तो यहां लिख सकते हैं, इन्हें क्योंकि इन्हें दो बार लूटा गया था, इनको दो बार लूट लिया गया था, ये बात आपने लिख ली। और यहां तक लिखिए, फिर अगले पेज पे चलते हैं, अगले पेज पे फिर आगे वाली बात करते हैं। इन्होंने एक बात और कही कि व्यापारियों को चुंगी देनी पड़ती थी। चुंगी का मतलब समझ रहे हैं आप, चुंगी का मतलब टैक्स से है। कभी कभार क्या होता है, परंपरागत रूप में जो एक बैरियर लगाया जाता है, बैरियर रुकावट, उसको हम नाम दे देते हैं कभी कभार चुंगी। जैसे आपने देखा होगा, अगर आप किसी थोड़े बहुत पिछड़े एरिया में अगर कभी पहले गए हैं तो, कि अगर कोई यातायात का साधन जा रहा है तो वहां पर एक बैरियर लगाया जाएगा रोकने के लिए, है ना, उसको उत्तरी भारत में चुंगी कह देते हैं। उसको चुंगी वास्तव में टैक्स को कहते हैं, और उत्तरी भारत में चुंगी नाम दे दिया किसको, जिससे वाहनों को रोका जाता है, यानी एक बहुत मोटा सा, एक ऐसे मान करके चलिए डंडा टाइप का, जिसको आगे से खींच देने से रस्सी से वाहन वगैरह जितने यातायात के आते हैं वो सब लाइन में खड़े हो जाएंगे, फिर उनसे पैसे वसूल किए जाएंगे, फिर एक एक को निकाला जाएगा उसमें से, है ना, उसको चुंगी नाम दे दिया। लेकिन वास्तव में चुंगी जो शब्द की उत्पत्ति है वो टैक्स के लिए हुई है, कि आप यहां से जा रहे हैं आप यहां शुल्क देंगे, टैक्स देंगे, इस संदर्भ में। ठीक है, तो समझ पा रहे होंगे आप। हाँ जी, लुटेरों ने खुश होकर लूटा होगा। अगली बात ये थी, ये कह रहे थे कि जो हर्षवर्धन था अपनी आय को 4 भागों में बांट करके रखता था। हर्ष अपनी आय को
चार भागों में बांट कर रखता था। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ वर्णन नहीं दिया है स्पष्ट कि चार भागों में कौन कौन से। तो हो सकता है हर्षवर्धन दानी था तो दान के लिए अलग रखता हो, राज्य के संचालन के लिए अलग रखता हो सकता है घर वालों के लिए अलग रखता हो और उनके लिए अलग रखता हो, है ना। जैसे आजकल के मान करके चलिए, अगर कोई कमाने वाला है दिल्ली में, अगर कोई कमा रहा है आप में से, तो वो तीन चार जगह पर पैसे रखेगा या तीन चार पार्ट में डिवाइड करके रखेगा, कितने पैसे घर पे भेजने हैं, घर वालों को देने हैं, इतने पैसे खाने पे खर्च करने हैं, इतने पैसे जो है उनके साथ जब हम कहीं जाएंगे घूमने फिरने तब खर्च करने हैं, और इतने पैसे इमरजेंसी के लिए रखने हैं। ऐसे तीन चार पार्ट में डिवाइड करके रखते हैं ना, उसी तरह से हर्षवर्धन भी चार भागों में पैसे बांट करके रखते थे, यानी अपनी इनकम को डिवाइड करके रखते थे, ऐसा विवरण दिया है इन्होंने। मुझे नहीं पता इन्होंने दिया है, ठीक है। अगली बात इन्होंने कही कि भारत में शिक्षा प्राप्ति की उम्र 9 से 30 वर्ष थी। अब अजीब हाल है, 9 वर्ष की उम्र में कोई व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करना शुरू करता होगा, 30 वर्ष में समाप्त करता होगा, सामान्य टेंडेंसी ये थी। और इन्होंने चर्चा ये भी किया कि कुछ लोग जीवन भर भी पढ़ते रहते थे, है ना, लेकिन सामान्य टेंडेंसी ये 9 वर्ष में शुरुआत होती थी शिक्षा की, यानी 9 वर्ष तक आप आराम से घर पे रहिए और आपको बिल्कुल भी पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है। और एक तरफ दोस्तों हम थे, मैं शायद 9 साल का हुआ था तब तक, तो 5th क्लास पास कर गया था। अब देखिए, एक ये 9 वर्ष तक, एक हम 9 वर्ष तक, हमारे ऊपर दोस्तों इतना दबाव, और इनके ऊपर नहीं था उस समय पर दबाव, है ना, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए, ठीक है, एक चर्चा इन्होंने जो की है वो थोड़ी सी अलग टाइप की चर्चा की है। अलग टाइप की चर्चा क्या की है, प्रयाग की पवित्रता के कारण यहां प्रतिवर्ष कुछ लोग डूब कर अपनी जान देते थे। यानी आप देख रहे हैं प्रयागराज में, इलाहाबाद में गंगा और यमुना दोनों का संगम है। अब गंगा यमुना नदी में, या तो गंगा में या यमुना में या संगम पर कुछ लोग जान देते थे, किस वजह से, क्योंकि प्रयागराज की पवित्रता ज्यादा थी, इस वजह से उन्हें ऐसा कुछ लगता होगा कि यहाँ प्रयागराज में अगर हम डूब के मर जाएंगे तो बैकुंठ चले जाएंगे, है ना, ऐसा कुछ लगता होगा। तो इस चीज का भी वर्णन किया है भैनसांग ने कि पवित्रता के कारण लोग डूब करके यहां मरते थे। और इन्होंने एक बात और ध्यान रखनी है कि शूद्रों के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया है उस शब्द को आपको ध्यान रखना है, कृषक शब्द का प्रयोग किया है शूद्रों के लिए। इन्होंने कृषक शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, नोट कीजिए जल्दी से।
चलिए नोट कर लिया। चलिए अब बात करते हैं फाई यान की, ये ह्वेनसांग की बात हो गई, अब बात करते हैं फाई यान। नाम सुन के ही ऐसी फीलिंग आती है कि फाई यान नाम का कोई वायु यान है क्या है पता नहीं, है ना, ऐसा लगता नहीं कि ये व्यक्ति होगा कोई, फाई यान नाम सुन के ऐसा लगता है कोई जहाज वगैरह होगा। तो फाई यान किसके, सी स्क्वायर के समय भारत आए, सी स्क्वायर के समय पर भारत आए। टाइम पीरियड की बात करें तो 399 से 404 ये टाइम पीरियड होना चाहिए, 399 से लेकर के 414 है ना, ये 414 है, 399 से 414 के बीच में ये भारत में रहे। ये भारत में आए तो इनका उद्देश्य क्या था आने का, उद्देश्य था बौद्ध धर्म से संबंधित, बौद्ध धर्म से संबंधित अध्ययन हेतु, यानी ये एक स्टूडेंट थे ऐसे मान करके चलिए आप, ये बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई शिक्षा प्राप्त करने के लिए भारत आए थे। कौन, फाई यान, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? चलिए चलिए जल्दी से नोट करिए, सी स्क्वायर का मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय सी स्क्वायर का मतलब, तो नोट कीजिए इसको जल्दी से। और आगे बात करते हैं, ये जब चीन पहुंचे तो इन्होंने जो विवरण दिया उसका विवरण का नाम पड़ गया फोक्योकी, क्या नाम पड़ गया, फोक्योकी। हमारे यहां पर होता क्या है कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जो छोटे बच्चे बिल्कुल चिंटू टाइप के जो होते हैं, वो बोलना नहीं जानते ना जब शुरुआत में, तब ऐसे ही करते काकू की, तो ऐसे ही इनकी जो यात्रा वृतांत है उसका वर्णन है फोक्योकी, है ना, इसमें क्या है, यात्रा का वर्णन फोक्योकी, ठीक है। अब इस फोक्योकी में ये क्या बातें करते हैं उसको हम अगले पेज पे देखते हैं, तो नोट कीजिए, इनके द्वारा निम्नलिखित बातों का वर्णन किया गया, कौन कौन सी बातों का वर्णन किया गया, तो वो आप ध्यान से सुनिएगा, जैसे उन्होंने महाशय ने वर्णन किया वैसे ये भी वर्णन कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि कपिलवस्तु कुशीनगर और श्रावस्ती नगर उजड़ गए थे, यानी ये भी कह रहे हैं कि कुशीनगर, कपिलवस्तु और श्रावस्ती नगर जो हैं वो उजड़ गए थे। और देखिए यहां पर अभी आपको दिखाई देगा कपिलवस्तु का पाटलिपुत्र और श्रावस्ती, यानी यहां कुशीनगर आपको अलग दिखाई दे रहा होगा, यहां पाटलिपुत्र है, तो इन दोनों के वर्णन में ये अंतर है, तो ये अंतर आपको ध्यान में रखना है, ध्यान नहीं रखेंगे
तो फिर आप कंफ्यूज रहेंगे कि किस में क्या था। कुशीनगर किस में है? फाइयान में, यानी जो वायुयान टाइप का लग रहा है उसमें कुशीनगर है। वहां कुशीनगर की जगह पर पाटलिपुत्र है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इन्होंने इन्होंने किसी भी गुप्त वंशीय शासक की चर्चा नहीं की है, शासक की चर्चा नहीं की है। ठीक है, गुप्त वंश के किसी भी शासक की इन्होंने चर्चा नहीं की है। दूसरी बात ये बता रहे थे कि भारत में दंड विधान अत्यंत उदार था। दंड विधान भारत में उदार था। और इन्होंने ये भी कहा कि मृत्युदंड का प्रावधान नहीं था। देखिए, दोनों ही लोग चीन के हैं, इन दोनों की बातों में ही हमें अंतर दिख रहा है कि ये तो कह रहे हैं कि दंड विधान जो है वो भारत में उदार था। अभी वो दिव्य दंड की बात कर रहे थे कि जो है दिव्य परीक्षा ली जाती थी, जो इस तरीके का भारत में और भी कई जगहों पर मिलता है वर्णन। नोट कीजिए आप इसको, फिर और आगे लिखते हैं। अंजलि चौधरी कह रही है, सर पाटलिपुत्र सभ्यता तो आज भी विद्यमान है, फिर नष्ट कैसे सर बता दीजिए। देखिए, इनके अनुसार थी नष्ट, सार्वभौमिक रूप में नष्ट हो ऐसा नहीं कहा जा सकता है। इन्होंने अपने वर्णन में कहा है कि नष्ट हो गई थी। अब जरूरी नहीं कि नष्ट हो गई हो, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये एक क्षेत्र विशेष की बातों को आधार मान करके अपनी बात प्रस्तुत कर सकते हैं। इसलिए आपको क्या ध्यान रखना है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और ये कह रहे थे कि समाज में अस्पृश्यता व्याप्त थी। ये क्या कह रहे थे कि समाज में अस्पृश्यता व्याप्त थी, यानी समाज में छुआछूत था। इस बात का वर्णन इन्होंने भी किया है कि समाज में छुआछूत थी। छुआछूत को एक नकारात्मकता के रूप में इन्होंने दर्शाया है, तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। और एक बात कह रहे थे कि उस समय पर मकानों का पंजीकरण नहीं होता था, रजिस्ट्रेशन। तो मकानों का पंजीकरण नहीं होता था। मतलब देखने से ऐसा लग रहा है कि बहुत बारीकी से भारत का अध्ययन किए थे ये, है ना। अगली बात आपको ध्यान रखनी है कि लेन देन में कौड़ियों का प्रयोग किया जाता था, ऐसी बात ये बता रहे थे। लेन देन में कौड़ियां आप जानते होंगे, कौड़ियों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है भाई, तो ये है आपका आज का कार्यक्रम, इसको आपको ध्यान में रखना है। और बातें तो और भी कही है इन्होंने, जैसे और बात ये कह रहे थे कि मध्य भारत के जो लोग थे, जिसको हम खास करके आज मध्य प्रदेश देख लेते हैं, मध्य प्रदेश के लोग सर्वाधिक सुखी थे, ये भी बात कही है इन्होंने। ठीक है, तो ये बातें हैं, सब आपको ध्यान में रखनी है। और कल एक जो सेशन है, ये दोनों बंधु हैं, ए ह्वेनसांग, ये फाइयान। ठीक है, आपको कल एक सेशन है, स्पेशल सेशन, कल इस क्लास से अलग होगा सेशन, तो अलग से आप नोट्स बनाएं उसका। कल जो इस्लामोफोबिया की बातें चल रही हैं, जो यूएन में मामला पहुंचा, जनरल असेंबली में मामला पहुंचा इस्लामोफोबिया, और इसको मान्यता भी दे दी महासभा ने, जनरल असेंबली ने, तो फिर इस पर एक दिवस मनाया जाने लगा
यानी इस्लामोफोबिया के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस 15 मार्च को मनाया जाने लगा। अगली बात, भारत को इस मुद्दे पर बहुत ज्यादा चिंता है, भारत को आपत्ति है थोड़ी सी इस बात पर। तो क्यों है आपत्ति, क्या है पूरा मामला, इसको समझेंगे हम कल, ठीक है। लेकिन कल की क्लास रिकॉर्डेड होगी, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण क्लास होगी, ठीक है, तो देखना नहीं भूलना है। और आज का जो होमवर्क है आपका, होमवर्क में आपको जल्दी से बता दूं, होमवर्क जब बातें चल रही थी चीनी यात्रियों की बातें चल रही थी, तब आपको फिर चीनी यात्रियों के बारे में तो वर्णन नहीं करना है क्योंकि ये तो हो गया। अब आपको वर्णन करना है सभी विदेशी यात्रियों के बारे में, विदेशी यात्री जो भारत आए, ठीक है। तो ये प्रश्न है आपका आज होमवर्क में, जितना आपको जो पता है, कौन कौन भारत आया, कब कब भारत आया, क्या क्या उसने वर्णन किया, इन सारी बातों के बारे में आप ऑफलाइन कमेंट करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मुलाकात होगी कल, ध्यान रखिए आप अपना और अपनों का, कल का मतलब सोमवार को है ना, ध्यान रखिए आप अपना और अपनों का, धन्यवाद, नमस्कार।